केस समाप्त हो जाने के बाद नगर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में ईवीएम मिलने का मामला सामने आया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रुका कर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। उसके बाद क्या कुछ हुआ आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको हंगामे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह हंगामा किसी वाद विवाद का नहीं है, बल्कि यह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में रखी ईवीएम को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि अगर ईवीएम रिजर्व वाली है तो उसका भी समय होता है और मशीन पर समय पड़ा होता है। सपा कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप था कि गाड़ी को जहाँ रुकवाया गया वहाँ नहीं रोका, तेज गति से भगाया गया और अंततः भाभा चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रोककर जमकर हंगामा काटा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मुख्य विकास अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि ईवीएम रिजर्व वाली है और वेयर हाउस में रखने के लिए गाड़ी से भिजवाई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी में ईवीएम रखी दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा करने पर उतारू है। वह पूरे मामले को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने क्या कुछ कहा है ये जरा आप भी देखिए। ईवीएम पकड़ी गई है, लोगों ने पकड़ा है और काफी हंगामा कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पहली बात तो ये कि गाड़ी प्राइवेट नहीं है, सेक्टर मजिस्ट्रेट को अलॉटेड गाड़ी है जिस पर हमारा जीपीएस या विंगर ऐप लगा हुआ है और जो ईवीएम है सेक्टर मजिस्ट्रेट को जो रिजर्व ईवीएम दी जाती है वो है। उसमें कोई फोर्स वगैरह कोई नहीं, सारे फोर्स है जो पोलिंग पार्टी के साथ गए हैं और इस ईवीएम को ये लोग वेयर हाउस में जमा करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट जा रहे थे। सेक्टर मजिस्ट्रेट अकेले थे गाड़ी में, लोग बता रहे हैं कि अकेले थे और इन लोगों के बताने से नहीं होता ना, लोग तो कुछ भी बता दें, जो लोग हैं एक विशेष राजनीतिक दल के लोग हैं उनके बताने से नहीं होता। नहीं नहीं, कौन लोग थे इनके साथ, कौन सिपाही था इनके साथ, कौन ड्यूटी पे था इनके साथ? जो लोग इनके साथ ड्यूटी पर थे वो पोलिंग पार्टी को लेकर के मंडी जमा कराने गए हैं ईवीएम को, पोल्ड ईवीएम को। जो रिजर्व ईवीएम है ये वेयर हाउस में ले जा रहे हैं, ये स्थापित प्रक्रिया है। नहीं, टाइमिंग कोई नहीं होती है, हमारा पोल जब खत्म हो जाता है तो हमारी पोल्ड ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाती है और जो अनपोल्ड ईवीएम है वो जाती है हमारी। मगर ऐसा है कि ईवीएम के मूवमेंट में राजनीतिक पार्टियों को बताया जाता है वो साथ बिल्कुल कुछ जानकारी होती है कुछ नहीं। ये रिजर्व ईवीएम है ये सीधे वेयर हाउस ही जाती है, जो पोल्ड ईवीएम है वो अपने पास स्ट्रांग रूम में जाती है, स्थापित प्रक्रिया है। ये हमारे साथियों ने देखा, आपत्तिजनक अवस्था में ईवीएम से भरी एक गाड़ी करेल चौराहे पे गई, भामा चौराहे लौटी और भामा चौराहे पे दारू पी गई। जो उसके गाड़ी के ड्राइवर या जो भी मौके पे उसमें अधिकारी थे, जिसको देख के साथियों ने सूचित किया और बहुत सारे साथी मौके पे आए और चूंकि ये प्रशासन का काम इतना शंकानुमा हो चुका है, अभी भी हमने मांग की है कि जो आपत्तिजनक अवस्था में ईवीएम लेके दारू पी रहे थे घूम घूम के चौराहे पर और शहर की परिक्रमा कर रहे थे, अगर ईवीएम भोगांव की तरफ से आई थी तो सीधी यहाँ पे आनी थी। अच्छा, इसको आप साजिश समझते हैं क्या, लापरवाही? देखिए, सरकार की हर चीज में साजिश के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि लगातार जब से नॉमिनेशन फाइल हुआ आदरणीय डिंपल जी का तब से अब तक हमारे कार्यकर्ता कोई नहीं बचा जो न सताया गया हो, जिसका व्यवसाय व्यापार है उसको नोटिस दिए गए, सरकारी कर्मचारी धमकाए गए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के यहाँ दबिश पड़ी, उनकी गिरफ्तारियां हुई, रेड कार्ड इशू हुए। आज पूरे दिन हमारे सभी नेताओं को लगातार संघर्ष करते रहना पड़ा इस बात के लिए कि अन्याय और अत्याचार ना हो, और प्रशासन के लोग लगातार इस बात पर लगे थे। एक टारगेट दिया गया था इन लोगों को कि कैसे समाजवादी पार्टी के बाहुलता की या परंपरागत जो सीटें थी बूथ थे उनको कैसे रोका जाए, लेकिन ये भूल गए थे इस चुनाव में जो हमारी परंपरागत बेहतर बूथ थे वो वहाँ से तो वोट पड़ा ही पड़ा एक तरफा, जहाँ हम कभी कमज़ोर हुआ करते थे उन इलाकों की से भी अगर अकेले काउंटिंग कर दी जाएगी तब भी आदरणीय डिंपल यादव जी सांसद हैं। अच्छा, मतदान हो चुका जो हमारे बूथ थे पार्टी के समर्थित बूथ थे वो तो थे ही, वो तो अतिरिक्त हमारी लीड के तौर पे होंगे, बल्कि जिनमें कभी हम लोग नहीं भी जीत पाते थे
अगर उनकी भी काउंटिंग हो जाए तब भी डिंपल यादव जी को सांसद बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मतदान हो चुके हैं, अब समाजवादी का ईवीएम पकड़ने के बाद क्या स्टैंड रहेगा? लगातार हमारे सभी नेता लोग हर चीज की जानकारी ले रहे हैं और जैसा नेताओं को निर्देश होगा हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आज इस मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैनपुरी के जनमानस के लोगों का, मैनपुरी के मतदाताओं का, जिन्होंने संघर्ष करते हुए एक एक वोट पे संघर्ष हुआ है। हमारे बुजुर्ग अपमानित किए गए, महिलाएं अपमानित की गई, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी की गई है, उन पर लाठीचार्ज हुए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद लगातार जहां हमने ऑब्जर्वर साहब, जिले के अधिकारी, निर्वाचन आयोग तक को सूचित किया, उसके बाद भी इकरसानंद पोलिंग, गौतम बुद्ध नगर पोलिंग, इवन क्रिश्चियन कॉलेज की पोलिंग मैनपुरी की, नगला पजावा की पोलिंग पर 6:30-7 बजे तक अधिकारियों की मिली भगत से बीजेपी के नेताओं ने, विशेषकर नाम लूंगा आलोक गुप्ता पूर्व अध्यक्ष, प्रदीप चौहान वर्तमान अध्यक्ष जैसे कई नेताओं ने पोलिंग डंपिंग की कोशिश की, वो तो आयोग के, निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर साहब के हस्तक्षेप के बाद उनकी किसी तरह भी पैक हो पाई। तो ये सडन तो लगातार चले, लेकिन मैंने चुनाव में शुरू से ही कह रहा था कि मैनपुरी की जनता बहादुर जनता है, इसके साथ जितना अन्याय करोगे उतना ही गुस्से के साथ जवाब देगी, और आज मैनपुरी की जनता ने अपने मतदान के माध्यम से